नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा 1800, और जो लॉस 18 ट्रेड ऐसा थे जिसमें मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 11 ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, जो प्रॉफिट पॉइंट बन रहा ना 830 का, और जो लॉस पॉइंट हो गया 374 का। तो प्रॉफिट बाय लॉस का देखोगे आप दोनों को डिवाइड करोगे 830 बाय माइनस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल है, इसमें मैं सी शार्प और एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करूंगा, एक टोटली एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप है, और ये जो स्ट्रेटेजी ऐसा है जिसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1.5 से भी बड़ा है। ऑलराइट, ये काफी बैंक निफ्टी बेस्ड है ये जो आज स्ट्रेटेजी है। एक बार मेरे से रिसेंटली मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसमें ना एक हेज फंड मैनेजर मेरे से, देखिए उनका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है ना, वहां पर आप थ्योरेटिकल आप एक्सप्लेन करोगे तो ठीक है, उनका सिलेक्शन वैसे नहीं होता, सिलेक्शन होता उनके नंबर पे। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो और वो नंबर रिफ्लेक्ट करता है, नंबर आप अचीव कर पाते हो, तभी आपका सिलेक्शन होता है। राइट, तो सेम चीज है, और ये सेम जो आज डिस्कस कर रहा हूँ ये टोटली HFT बेस्ड है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसमें कि हम एक मिनट पे सारा ट्रेड करेंगे, एक मिनट पे सारा ट्रेड होगा हमारा, बैक टेस्टेड है ये टोटली बैक टेस्टेड है। तो मैं इसका ही थोड़ा आउटपुट आपको शेयर करता हूँ कि क्या हम इसमें अचीव करने जाएंगे। देखो ये टोटली जो ट्रेड है ना, ये बैंक निफ्टी पे है, बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड पे, जो टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एक मिनट पे है। ऑलराइट, तो देखो आप अगर इसका आउटपुट देखोगे ना, तो प्रॉफिट ट्रेड मेरे पास 18 प्रॉफिट ट्रेड है, 11 ऐसा जिसमें मैं लॉस करता हूँ। ऑलराइट, और जो प्रॉफिट पॉइंट बनता है मेरे पास 830 का बनता है, और जो लॉस पॉइंट होता है -374 का होता है, मतलब -375। अगर ट्रिपल आर की बात करें, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की बात करें, तो 2.22 है। राइट, 2.22 आप जो देख पा रहे हो, अगर किसी भी स्ट्रेटेजी का अगर ट्रिपल आर ग्रेटर देन 1.5 से बड़ा होता है, लाइक 1.5 से बड़ा होता है ना, ये स्ट्रेटेजी है जो कि काफी अच्छा रिटर्न देगा आपको इन द नियर फ्यूचर। चलिए ठीक है, आज हम इस वीडियो पे बात करते हैं, और ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लाइक इसमें मैं कोड भी शेयर करूंगा, स्ट्रेटेजी कैसे कोड किया जाए पाइथन के थ्रू है, और टोटली ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये टोटली पाइथन पे है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको, इसका लॉजिक क्या है ट्रेड का। जैसे बैंक, जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी पे इंटरवल कितना, 100 का इंटरवल होता है, ट्रेडिंग टाइम क्या होता है 9:15 to 3:30 तक होता, पर जो हमें स्ट्रेटेजी का जो टाइम होगा ना 9:15 to 3:20 तक होगा, क्योंकि 3:20 पे क्यों, क्योंकि MIS स्क्वायर ऑफ होता है, तो हम यहाँ पर जो भी जैसा भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम उसे फोर्सफुली क्लोज कर देंगे 3:20 पे। ऑलराइट, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे कि 3:30 तक वेट करेंगे, वैसा कुछ नहीं, 3:20 पे जैसा भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम क्लोज करेंगे। ऑलराइट, तो देखो ये टोटली ऑप्शन स्कैल्पिंग है विद अ लॉन्ग ट्रेड, और इसमें जो ट्रेड जनरेट करेंगे सिर्फ ये वन साइडेड है, वो भी लॉन्ग साइड है, और इस टाइम पे हम ट्रेड जनरेट कर रहे हैं ये टोटली काउंटर। अगर मैं इसका मार्केट जो मैं डेटा जहां पर ले रहा हूँ ना, आप समझ जाओगे कि आज का मार्केट का सिनेरियो और उस टाइम का मार्केट का सिनेरियो दोनों सेम से। ऑलराइट, आप देख सकते हो उस टाइम भी मार्केट फॉल कर रहा है जब मैं डेटा चूज कर रहा हूँ तब भी, ठीक है। इसमें जो इंडिकेटर यूज करता हूँ, तो तीन चीजें सिंपल इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, 14 days, 19 days, 29 और 100 days है। ऑलराइट, आपको भी पता है कि 14 डेज है ये काफी फास्ट रिएक्शन देगा, जिसके चलते हमें ट्रेड जनरेट सिलेक्शन काफी इजी हो जाता है। राइट, एडवांटेज हमें ये मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे ना, assumptions क्या है, देखिए ये टोटली बैक स्टेज डेटा है ना, तो हमारे पास LTP होगा, LTP हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, जैसे ओपन हाई लो क्लोज, मैच क्लोज को चूज कर रहा हूं, आप अगर ओपन हाई लो किसी और को भी आप चूज कर सकते हो। क्लोज मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ ना, ये क्योंकि ये परफेक्ट है, मतलब ये डिफाइन हो चुका है कि हाँ पर्टिकुलर बार जो बन रहा है इसका जो लास्ट का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये काफी एक समझो आप ये गंगा है। राइट, ये काफी प्योर होता है, तो इसलिए क्लोज प्राइस पे मैं स्टिक रहूंगा। ऑलराइट, जिसका स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ना, तो 50 पॉइंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल होता था, 50 पॉइंट ठीक है, और जो इसका टारगेट पॉइंट मैं जो अचीव करूंगा 1.5 से, मतलब ये मतलब 50 जितना है ना 1.5 से, ऑलराइट, मैं 1.8 के हिसाब से यूज करूंगा। देखो अब ट्रेड का जो पैटर्न है, जो ट्रेड मैं जनरेट करूंगा वो करूंगा कैसे, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक पे ही सारा कोड करूंगा मैं, क्योंकि लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या कहता है, अगर मेरे पास जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर पर्टिकुलर बार का, मतलब मेरे पास जो बार है वो बार कितना, वन मिनट टाइम फ्रेम का बार है, अगर उसका क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज 14 डेज ग्रेटर देन
ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या, मूविंग एवरेज 14 डेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 29 डेज के ऊपर होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन क्या है, जो सिंपल मूविंग एवरेज 29 डेज जो है, 29 डेज है, ये 100 डेज से इक्वल और बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है तभी मैं जाके लॉन्ग ट्रेड जनरेट करूंगा। ऑलराइट, लॉन्ग ट्रेड तब मैं जनरेट करूंगा। अब इसमें क्या ना कि ये टोटली पाइथन कोड पे ना, तो हम ट्रेड को ओपन और क्लोज करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेते हैं। अगर मेरा ट्रेड ओपन है तो उसकी उस जो फील्ड मैं चूज कर रहा हूँ ये स्टेटस फील्ड बताएगा कि ये ट्रेड ओपन है या क्लोज है। राइट, अगर ट्रेड ओपन है तो उसके लिए स्टेटस 1 हो जाएगा, अगर ट्रेड क्लोज है तो उसके लिए स्टेटस क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब सपोज करो कि हमें ये टोटली बैक टेस्टिंग बेस का करूंगा स्ट्रेटेजी का, तो बैक टेस्टिंग में हमें पीएनएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके थ्रू हम गेन पॉइंट और लॉस पॉइंट हम कैलकुलेट कर पाते हैं। पीएनएल क्या होता है, ये डेल्टा होता है या डिविजन, मतलब जिस प्राइस पे आप बाई कर रहे हो और करेंट प्राइस क्या है। ठीक है, तो इसका जो पीएनएल बनता है ये होगा करेंट प्राइस माइनस बाय प्राइस। ऑलराइट, करेंट प्राइस माइनस बाय प्राइस। ऑलराइट, ठीक है, ये मोटा मोटी हो गया आपका, ये इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। अब मैं इसके बाद शिफ्ट करता हूँ कोडिंग पे। अब ये चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखो चार्ट पैटर्न पे क्या है, ये निफ्टी बैंक का डेटा, बैंक निफ्टी का डेटा, और ये स्पॉट का चार्ट है। राइट, इस पे जो आपको ये जो चार्ट्स दिख रहा है ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का है। ऑलराइट, अब इस पे तीन लाइन आपको दिख रहा है, एक रेड कलर, येलो और व्हाइट कलर। राइट, रेड कलर क्या बता रहा, देखो रेड कलर बता रहा आपको ये मूविंग एवरेज 100, ये 100 डेज का। येलो आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है, येलो आपका 29 डेज। और जो व्हाइट का एक पतला सा एक लाइन आपको दिख रहा है ऊपर साइड पे, ये है 14 डेज का। ऑलराइट, जो मेरा कंडीशंस क्या होता है ना, देखो ट्रेड ये आपका चार्ट पैटर्न पूरा यहां से यहां तक है, पर मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ एक एरिया जहां पे मैं बुल साइड लॉन्ग का ट्रेड ले सकूं। आप जैसे देखो, अगर ऊपर से ना मुझे 14 डेज पहले दिखना चाहिए, ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं 14 डेज, उसके बाद 29 डेज, उसके बाद 100 डेज आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डेज है ना नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, पर मुझे ऊपर से देखना है। ऊपर से अगर आप देखो रेड है यहां पर 100, ये 100 डेज का ट्रेड आ जाता है, ये येलो आ जाता 29 का, ये 10 डेज का, ये तो उल्टा हो गया ना, ये हमारा एरिया है ही नहीं ट्रेड का। हमारा जो ट्रेड का एरिया बनता है व्हाइट वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, व्हाइट ये ऊपर है, रेड इसके नीचे है, कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन ये जो येलो है ना, येलो रेड के ऊपर होना चाहिए, जिसके लिए ये एरिया भी हमारे लिए ये एरिया स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट फिट नहीं बैठता। अब इस वाले पे आ जाओ रेक्टेंगुलर बॉक्स पे, देखो इस पे क्या ना व्हाइट ऊपर है, उसके बाद नीचे है येलो है और रेड है। अब देखो ये परफेक्ट एरिया है हमारा, ये स्ट्रेटेजी एरिया का, ये टोटली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब जो भी ट्रेड जनरेट होगा ना, मैं इस क्लोजिंग पे मैं ट्रेड जनरेट कर दूंगा। ऑलराइट, ये ट्रेड यहां से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक होगा जब तक कि 320 पे इसका क्लोजिंग प्राइस है, एंट्री हो गया। अगर साइडवेज भी जाता है मार्केट, अगर या तो तीन तरह से वो एग्जिट होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या टारगेट हिट होगा, या एग्जिट टाइम अगर हो जाता है जैसे इंट्राडे पे 320 पे क्लोज हो जाता है, तो मैं यूजुअली 320 पे मैं क्लोज कर दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, टारगेट हिट हो गया तो ये ऑटोमेटिक होगा, 320 पे मैं इसको फोर्सफुली क्लोज करूंगा। मैं नहीं करूंगा, पाइथन कोड करेगा, पर ऐसा इसका डिजाइनिंग है कि लग रहा है कि नहीं एज अ ट्रेडर ये क्लोज कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम इसको लाइव चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। अब देखो ये लाइव चार्ट पे, ये काइट प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, तो आप इस पे देखोगे ना जो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ ये है 5th January 2023, इस साल का 5 जनवरी का ये ट्रेड है, मैं डेटा ले रहा हूँ। इस पे आप देखो एक बार मार्केट ने ऊपर गया था, मार्केट उस टाइम भी हाई पे था, थोड़ा ये कंसोलिडेट करके नीचे की ओर आया, फिर ये नीचे वाला मूवमेंट पे, मतलब मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर आप फोकस करो इस पे क्या हो रहा है, ये टोटली 1 डेज का डेटा है, 1 डे का ये बार बन रहा, तो मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूंगा। तो फिलहाल का आप देखो आज का मार्केट का सिनेरियो, इस मार्केट का सिनेरियो देखोगे, ये इस मोमेंट पे आप देखोगे ना, तो ये जो ट्रेड है 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर था, अभी भी है। ऑलराइट, अगर आप देखोगे ये 10 डेज जो व्हाइट वाला लाइन पे फोर्स करोगे 10 डेज के नीचे है, ये सेम चीज 10 डेज के नीचे है, इवन जो ये 29 डेज का सेम चीज ये 29 डेज का नीचे है। तो मतलब उस टाइम का मार्केट सिनारियो और आज का जो मार्केट का सिनारियो है दोनों इक्वल है, तो हमें काफी कुछ एक लर्निंग मिलेगा स्ट्रेटेजी बिल्ड करने पे। ऑलराइट, ठीक है, अब हम डायरेक्टली पाइथन कोड पे स्विच करते हैं।
एक बार डेटा को देख लेते हैं, डेटा में किस प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास स्पॉट का, फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का प्राइस हमारे पास आ रहा है। देखो डेटा जो है ना सिंपल एक टाइम स्टैम्प डेटा है, मतलब टाइम के हिसाब से एक एक रोज ये बनता रहेगा। और जो मेन इसका जो एक्चुअल जो डेटा होता है ओएचएलसी के फॉर्म पे, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम ओआई स्ट्राइक और टाइप, हमें जो मोस्टली जो फोकस करना ओएचएलसी डेटा पे करना, पर फिल्टर करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये दो या तीन कॉलम का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो आप स्पॉट प्राइस पे कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का वॉल्यूम दिखता नहीं है, वॉल्यूम होता नहीं, वो ट्रेडेबल नहीं है, ऑलराइट, इसलिए वॉल्यूम जीरो आ रहा है। तो ये हमारे स्पॉट प्राइस का एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ऑलराइट। अगर सपोज करो कि मैं इसको ना फ्यूचर के लिए आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो फ्यूचर पे क्या आता है, एक इंपॉर्टेंस क्या आता है कि फ्यूचर में वॉल्यूम होते हैं, फ्यूचर पे वॉल्यूम होते हैं, तो हम उसके अगर वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू जीरो तो वो वॉल्यूम, ये जो ट्रेड आ गया ये आपका फ्यूचर्स का ट्रेड आ जाता है, ऑलराइट। ऑप्शंस पे क्या है ना, ऑप्शंस पे वहां पर स्ट्राइक प्राइसेस का क्लासिफिकेशन इजिली हो जाता है, मतलब स्पॉट प्राइस है उसका हम स्पॉट प्राइस पे ना डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे हम स्ट्राइक प्राइसेस जनरेट कर देते हैं, ऑलराइट। तो ये और जो इंपॉर्टेंट है ना लास्ट में क्या, ऑप्शन टाइप या तो कॉल होगा या पुट होगा, तभी हम इजिली आइडेंटिफाई करके बोल दे देंगे ये ऑप्शन है, ऑलराइट। ये हमारा डेटा, इसी डेटा पे हम सारा कोड बिहेवियर और स्ट्रक्चर कोड करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेता हूं पाइथन पे, तो पाइथन पे क्या ना, जो हमारे पास डिपेंडेंट लाइब्रेरी पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो जो हम डेटा हमारे पास सीएसवी फॉर्मेट पे, सीएसवी पे हमारे मेमोरी पे लाना है, तो मेमोरी में लाने के लिए हमें कुछ एक स्टोरेज चाहिए, तो हम पैंडास का डेटा फ्रेम यूज कर लेंगे। अब देखो जो ये हमारे पास डेटा आ रहा ना वो 915 से पहले का भी आ रहा, मतलब ये डेटा जो इंटरव्यूअर जो मेरे पास भेजा था उस पे क्या था ना कि सुबह सुबह 24 आवर का डेटा दे रहा है, पर जो मार्केट जिस टाइम पे चलता है वो 915 से 330 के बीच में ही मार्केट चल रहा है, तो वो 24 आवर का डेटा भेज रहा है। तो हमें डेटा फिल्टर करने के लिए डेट टाइम का एक पैकेज लगेगा, और डेटा विजुअलाइज करने के लिए हमें प्लॉटली का ग्राफ चाहिए, एक पैकेज चाहिए, ऑलराइट। अब देखो कुछ मैं हेडर बना दिया हूं, आप सोचोगे ये डिबग मोड पे तो आपको इसका वैल्यूज भी साथ में रिलेट दिख पा रहा है। तो जैसे देखो क्लोजिंग के लिए ना जो सीएसवी में जैसे जैसा नाम पे हेडर था, कॉलम का नाम था, वैसे ही मैं एक वेरिएबल बना दिया हूँ एम क्लोज, क्योंकि एम से डिफाइंड करने ग्लोबली ये सेंस बनता है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है पर एक बिहेवियर स्ट्रक्चर है कि अगर कोई भी वेरिएबल को आप ग्लोबल डिफाइन कर रहे हो तो एम स्मॉल एम से स्टार्ट कर दो, ऑलराइट। तो ओपन हाई लो क्लोज जो मेरा डेटा आएगा, जिसमें हम जो तीन कॉलम हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 10 डेज मूविंग एवरेज, फिर 29 एंड देन 100, और भी कुछ मैं डिफाइन किया हूँ क्योंकि बैक टेस्टिंग पे कौन सा मूविंग एवरेज से इस पे सूट करेगा उसके हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं, ऑलराइट। पहले है कि हमें डेटा फ्रेम को लोड करना है, तो देखो डेटा जो मेरे पास डेटा है वो डेटा मेरा डेटा फोल्डर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो हम इसको लोकेशन के थ्रू रीड कर लेंगे, ऑलराइट। जो डेटा आ रहा हमारे पास हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, एक बार देखते कैसा दिख रहा है। अब देखो ये डे टाइम जो मैं अभी आपको दिखाया था एक्सेल शीट पे, ओपन हाई लो क्लोज, फिर वॉल्यूम ओआई स्ट्राइक टाइप, और ये इसमें क्या है ना कि ऑप्शंस का भी डेटा आ रहा है, स्पॉट का भी आ रहा है, बस मैं ये स्ट्रैटेजी है फ्यूचर्स पे है, तो फ्यूचर का मुझे डेटा चाहिए। तो फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो मुझे डेट टाइम के सब में जो एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि एक पर्टिकुलर एक कॉलम बनाऊंगा टाइम, जिसमें सिर्फ टाइम रहेगा और जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा में से मैं उस इस लाइन से pd.to_date_time और df जो डेट है मेरा उसको मैं टाइम पे कन्वर्ट कर दूंगा, ऑलराइट। और ये एक नया कॉलम बनकर ये इस df में ऐड हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखो जो df है अब मैं फिल्टर कर रहा हूँ वेयर क्लॉज, जिससे हम नॉर्मली MySQL पे यूज करते हैं किसी भी डेटाबेस पे सर्च करने के लिए, तो सेम चीज हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम का ही डेटा चाहिए। मैं इसको भी बंद क्लोज करता हूं, देखो डिबग हटा दिया हूं। अब जो पर्टिकुलर टाइम है ना, यह टाइम 915 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 330 पे होता, मैं 1520 का एग्जैक्ट मान रहा हूं, 1520 पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे ही मुझे डेटा चाहिए, बाकी और डेटा नहीं चाहिए। 320 या 21 पे मैं फोर्सफुली क्लोज कर दूंगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके, ऑलराइट। जब ये इंपोर्ट कर लोगे ना, तो देखो आपके पास बहुत सारा ऐसा से, जब ये आप फिल्टर लगाओगे तो आपके पास ना डीएफ में बहुत सारा ऐसा डेटा आ जाएगा जो चीज जो आउट ऑफ टाइम है, हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप कर देंगे, अनएम्बिगुअस डेटा आ जाता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है कि हम अपने मेमोरी पे स्टोर करें, तो ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रॉप करके हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम दे देगा
रिप्लेस कर दिया हूं डेटा फ्रेम को, अब ये मेरा एग्जैक्ट फिल्टर डेटा है। अब फिल्टर डेटा पे से ना मैं फ्यूचर का सिंबल, फ्यूचर का डेटा एक्सपोर्ट करूंगा। तो फ्यूचर का डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फिर से एक एयर वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। तो देखो इस लाइन पे फोकस करो आप, इस लाइन पे फिल्टर डबल एक्स पे। फिल्टर डबल एक्स क्या कर रहा है ना कि अगर एम टाइप है, मतलब एम टाइप मतलब जो लास्ट में था ऑप्शंस टाइप, या तो डबल एक्स है या तो एम स्ट्राइक इक्वल्स टू वन है, मतलब स्ट्राइक वन है दैट मीन्स वॉल्यूम है इसके पास, वॉल्यूम है, तो ये फ्यूचर का ट्रेड हो गया, ये फ्यूचर से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखो ये फ्यूचर का मेरे पास, अब ये वेयर क्लॉज पे मैं लगा करके, और जो भी एक्स्ट्रा अगर इसमें फिर से क्या होगा ना, जब भी वेयर क्लॉज लगाओगे जो चीज आपके पास है वो चीज वो तो डेटा पे डेटा फ्रेम पे दिखेगा, पर जो चीज नहीं है वो भी इस पे दिखेगा, तो नल नल करके दिखाता है, तो नल को ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास डीएफ फ्यूचर आ गया, राइट, डीएफ फ्यूचर ये हमारा। अब इसी पे हम बैक टेस्टिंग करेंगे। ऑलराइट, अब स्टेप इस पे देखो, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर का डेटा आ गया, अब हम कुछ इस पे सिंपल मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या है ना, देखो सिंपल मूविंग एवरेजेस के लिए बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी है, TA underscore lib है, ये स्टैंडर्ड होता, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो numpy या बेसिक कैलकुलेशन के लिए मेरे पास जो पहले से है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो देखो सिंपल मूविंग एवरेज के लिए रोलिंग यूज कर लो, फिर उसके बाद मीन कर लो, रोलिंग और मीन यूज कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। रोलिंग करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, एक क्लोज, हम जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्लोजिंग प्राइस पे कर रहे हैं, ओपन हाई या लो पे नहीं कर रहे हैं, ये भी ये आपको याद रखना होगा। और जो 10 डेज के लिए, तो विंडो में बार पीरियड बैक के लिए जिसे हम नॉर्मली किसी भी इंडिकेटर पे यूज करते हैं, इसमें क्या ना विंडोज के थ्रू आप कितने पीछे आकर आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो बाय विंडोज हम एक 10 का प्रोवाइड कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन पे इसको स्टोर कर रहा हूं नया कॉलम पे मूविंग एवरेज ए 10 डेज पे, लेट से ठीक है। एक और सिमिलर वे पे जिसमें विंडोज पे हम 29 का वैल्यू सेट कर रहे हैं और नया कॉलम पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं मूविंग एवरेज 29 पे। और थर्ड है 100 डेज के लिए, तो 100 डेज के लिए क्या है कि एक नया कॉलम पे हम स्टोर कर रहे हैं। अब हमारे पास मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट हो गया, अब हमें ना अब क्या हमारे पास मूविंग एवरेज सारा कैलकुलेट हो गया, अब हम जो भी ट्रेड जनरेट करेंगे लेट से उसको हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया से नया डेटा फ्रेम बना देते हैं डीएफ अंडरस्कोर ट्रेड। ये हमारा सिमुलेशंस पे काम करेगा, एग्जैक्ट आप इसको मान सकते हैं कि सच में ये एक्सचेंज है, डीएफ अंडरस्कोर ट्रेड है, इस पर हम जो भी ट्रेड जनरेट करेंगे तो उस पर ये सारा एमटीएम पीएनएल स्टॉप लॉस सीट होगा, टारगेट एग्जिट प्राइस स्टेटस सारा इस पर रहेगा। ऑलराइट, एकदम एक आप एक्सचेंज की तरफ का एग्ज्यूम कर सकते हो। और इसका जो कॉलम हम पहले से डिफाइंड कर दे रहे ताकि वैल्यू एडिशन कर रो एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम ना करे। पहले हमारे पास डेट टाइम चाहिए, बाय और सेल, मतलब आप जो ट्रेड जनरेट कर रहे हो बाई है और सेल है। ऑलराइट, एंट्री प्राइस क्या है, किस प्राइस पे बाई कर रहे हो, तो आपको जैसे पहले बताया था कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस ही हमारा एलटीपी है, तो हम क्लोजिंग प्राइस पे ही बाई करेंगे। एलटीपी क्या होगा, जो भी करेंट टाइम पे जिस, अगर मैं आज से 15 मिनट पहले बाई किया था तो 15 मिनट बाद देखता हूँ कि उस मोमेंट पे जो भी क्लोजिंग 15 मिनट पे क्लोजिंग होगा वो हमारा एलटीपी कंसिडर हो जाएगा, उसके हिसाब से पीएनएल कैलकुलेट होगा। अगर ट्रेड ओपन है तो जीरो, नहीं सॉरी, ट्रेड ओपन है तो वन, अगर ट्रेड क्लोज होगा तो जीरो, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन है। एग्जिट प्राइस है स्टॉप, एसएल से स्टॉप लॉस, टीपी से टारगेट हिट, अब पीएनएल से एक्चुअल पीएनएल कितना हमारे पास बन रहा। ऑलराइट, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, डीएफ फ्यूचर्स को स्कैन कर रहे हैं। डीएफ फ्यूचर्स पे इस पे दो तीन चीज आप समझना, मैं अपना एक डिबग करके यहाँ पे आपको दिखाता हूं, एक मिनट बस। आप एक बार डीएफ जो अंडरस्कोर फ्यूचर्स है उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, डेटा हमारे किस फॉर्मेट पे दिख रहा है, वो HLC है। अब देखो जो तीन हम सिंपल मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट किए थे 10 डेज 29 और 100 डेज पे, अब देखो सबके जो लास्ट में है ना टिल 10 डेज, जैसे 10 डेज पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग जीरो से लगातार 10th पोजीशन तक NAN वैल्यू है, नल वैल्यू है। ऑलराइट, सिंपल 29 डेज पे, मतलब 29th पोजीशन से पहले तक सारा NAN है, सिमिलर 100 डेज पे। अगर आप देखोगे ना, जो हमारा जो क्राइटेरिया, पहला ही क्राइटेरिया जो लॉजिक होता है वो क्या होना चाहिए कि 100 डेज जो क्लोजिंग प्राइस 10 डेज से भी बड़ा होना चाहिए 29 से और 100 से, अगर ऊपर से आप देखोगे तो। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे कि जो भी अगर मूविंग एवरेज अगर 100 डेज अगर इक्वल्स टू नन है ना, तो हम उस पर कुछ काम ही नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, पास नेक्स्ट बार पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। ऑलराइट, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहला देखो, अगर इज नल है हम चेक कर रहे हैं पहले मूविंग एवरेज इज इक्वल टू क्या
इज नल है, तो हाँ है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे नल है, तो सिंपली आप कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट, हम पास कर दे रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे। ऑलराइट, अब सपोज करो कि हम इस पोजीशंस पे आ गए, अब इसको बाद में आप देखना, ये अपडेट वाला पार्ट है। अब देखो ये जो पार्ट है जिसपे ट्रेड जनरेट होगा, ये क्या कह रहा है ना कि जो क्लोजिंग प्राइस है बार का क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन 10 डेज मूविंग एवरेज, और 10 डेज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 29 डेज पे। आप इक्वल्स टू यूज भी कर सकते हो, कोई सेंस नहीं मैटर करता है, लेकिन मैं उसमें इक्वल्स टू करके बताया था, इसमें इक्वल्स टू रिमूव कर दिया हूं। ऑलराइट, 29 डेज ग्रेटर देन 100 डेज पे आप कर सकते हो इजिली। अब देखो हम इस पे ना, अगर ये कंडीशन मेरे सेटिस्फाई है तो पर्टिकुलर मैं ट्रेड नया ट्रेड लेने के लिए रेडी हूं। ऑलराइट, स्टॉप लॉस में डिफाइन करो बार का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें माइनस 50 है, क्योंकि बाय ट्रेड जनरेट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग प्राइस से नीचे आएगा, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस मुझे मिल रहा है उसमें 50 माइनस करके ये स्टॉप लॉस मेरे पास से आ गया। टारगेट प्राइस क्या होगा, जैसे क्लोजिंग प्राइस पे प्लस 50 करूंगा इंटू 1.7 करूंगा, जो भी वैल्यू मेरे पास ये बन के आएगा, क्योंकि 1.7 का मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिपल आर, राइट, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। स्टेटस वन है कि नया ट्रेड जनरेट हो रहा, तो वन डिफाइन कर रहा हूँ। एग्जिट टाइम भी मैं -1, क्योंकि ओपन ये ट्रेड इंटर हुआ है, हो रहा है, अभी क्लोजिंग इसका आया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मैं एग्जिट टाइम को -1 एज्यूम कर लूंगा। आप भी कोई इसको एक नंबर दे सकते हो। ऑलराइट, अब जो ट्रेड है, अब डीटी पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो देखो इस पे क्या है ना, डीटी पे ऐड करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए। लोकेशन क्या है कि आपको लोग बाय डॉट एलओसी और जो लेंथ है डेटा फ्रेम पे, वो लेंथ पे आप यहाँ इस पोजीशन पे आप ऐड कर रहे हो। इस पे क्या है ना कि जैसे सी शार्प या किसी और लैंग्वेज पे ना, आप बस ऐड करो हो जाएगा, इंडेक्स मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। डेटा फ्रेम पे क्या है कि आप नया रो पे आपको इंडेक्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप ऐड कर पाओगे। ऑलराइट, ट्रेड हमारे पास आ गया, ये ट्रेड का क्रेडेंशियल्स है, डेट है, देखिए जो डेट आ रहा है, बाय सिग्नल, क्लोज, ये क्लोज आपका कौन सा हो गया, क्लोज हो गया, एंट्री प्राइस हो गया, ये एलटीपी हो गया, तो दोनों आप मिसअंडरस्टूड मत करो, करंट बाहर पे आप रहोगे ना, तो मैं एलटीपी अज्यूम किया था कि क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोज प्राइस पे मैं एलटीपी, स्टेटस वन आ जाएगा, एग्जिट टाइम -1, स्टॉप लॉस और एलटीपी डिफाइन, और 0 पीएनएल है, एक क्लोजिंग प्राइस और एलटीपी दोनों सेम ही है, तो उसमें पीएनएल 0 बनेगा, दोनों सेम होने पे पीएनएल 0 बनता है। ऑलराइट, अब देखो, अब जैसे ये ट्रेड हो गया ना, क्लैरिफिकेशन के लिए एक डीएफ जो फ्यूचर ट्रेड है उस पर मैं एंट्री का, एक एंट्री हो रहा ना, तो एंट्री वाले कॉलम पे मैं क्लोजिंग प्राइस पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा जब आप विजुअलाइज करोगे डेटा तब आपको ये मैटर करेगा, फिलहाल के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम, ये भी विजुअलाइजेशन के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, अब देखो ट्रेड जनरेट हो गया, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज करो ट्रेड मेरा इस डेटा फ्रेम पे, देखो 764 पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 764 पे ट्रेड जनरेट हुआ और हम 772 पे हम चेक करना चाहते हैं, तो इसका जो एलटीपी आएगा, एलटीपी हमारा क्लोजिंग प्राइस है जैसा आपको पता है। ऑलराइट, इस क्लोजिंग प्राइस पे क्या पीएनएल बनेगा, तो पीएनएल के लिए अब हम आएंगे इस वाले पार्ट पे, ये ना अब पीएनएल कैलकुलेट करना और एग्जिट करना इसके कंट्रोल पे, तो जो भी डीएफ ट्रेड पे है, हम जितने पर्टिकुलर बार पे जो जो ट्रेड मेरे पास सिस्टम पे है, हम सब पे पीएनएल कैलकुलेट करेंगे सभी पे। ऑलराइट, तो हमें सब पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप से हम क्या करेंगे कि अगर स्टेटस जीरो है, अगर ट्रेड क्लोज है तो उसका पीएनएल ऑलरेडी क्लोज हो गया, तो हम उसको इटरेशन पे नहीं लेंगे, हम पास कर देंगे नेक्स्ट ट्रेड पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ट्रेड पे एलटीपी हम कैलकुलेट करते हैं, एलटीपी क्या, बार का क्लोज प्राइस है। अगर एलटीपी आ गया तो हम क्या करेंगे कि हम इसका, अब एलटीपी आ गया तो पीएनएल कैलकुलेट करना, तो पीएनएल के लिए क्या करूंगा, एलटीपी माइनस एलटीपी करंट है और ट्रेड का एंट्री प्राइस, ये करके पीएनएल बन जाएगा। ठीक है, पीएनएल पे आप कितना डिजिट तक आप देखना चाहते हो डेसिमल को, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लोगे। मैं डेसिमल का 2 डिजिट तक ही एडजस्ट कर सकता हूं। ऑलराइट, अब देखो अगर ट्रेड सिग्नल बाई है तो बाई का जो बाई बनेगा इसका आप ये देखोगे तो ट्रेड अंडरस्कोर पीएनएल, मतलब इसको आप अपडेट कर सकते हो भी नहीं भी कर सकते, कोई सेंस नहीं है, मैं डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज कर रहा हूं इसको। आप इस रो पे आ जाओ, जब ये पीएनएल मेरे पास आ गया तो हम जो मेरा डेटा ट्रेड है इस ट्रेड पे पीएनएल में अपडेट करूंगा डॉट एलओसी के थ्रू, मतलब लोकेशन और इंडेक्स के थ्रू मैं इसको अपडेट करूंगा। ऑलराइट, ये हो गया।
अब मैं देखो अब पीएनएल कैलकुलेट हो गया, अब मैं देखता हूं कि क्या जो ट्रेड इस करंट बार पे जिसे 762 पे हमने बाय किया था 772 पे शायद ये स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों का एडजस्ट कर पाए, मतलब दोनों इसका हिट हो रहा कोई दोनों में से कोई एक हिट हो रहा होगा। ऑलराइट तो वो देख लेते हैं। अगर एलटीपी जैसे सपोज करो एलटीपी ये कंडीशंस आप देखो जो ट्रेड का स्टॉप लॉस है क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है एलटीपी से, अगर यस है तो मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आपको ट्रेड क्लोज करना है। ये आपका क्लोज का पैरामीटर, क्लोज में हमें क्या करें स्टेटस जीरो करना है। एग्जिट प्राइस क्या है एलटीपी, एलटीपी क्या है क्लोज प्राइस हमारा, और जो लोकेशन है एग्जिट पे हम एग्जिट पे एलटीपी अपडेट कर रहे हैं ऑलराइट क्लोज प्राइस पे। ऑलराइट ये हो गया स्टॉप लॉस हिट पे। अगर टारगेट हिट होता है तो उस मोमेंट पे क्या करना जो एलटीपी है आप जो फिगर जो मैं आपको थोड़ी देर पहले चार्ट पे समझाया था आप समझना कि आपका जो जहां पे आप टारगेट सेट कर रहे हो ना टारगेट आपका जो प्राइस है उस प्राइस ऊपर आपका एलटीपी आ जा रहा है तो आप क्या करोगे आपका टारगेट हिट हो चुका है आप क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे तीन चीज आपको याद रखना, क्लोज पे स्टेटस एग्जिट प्राइस और एग्जिट, ये तीन चीज को अपडेट कर दोगे तो हो जाएगा। ऑलराइट दिस सॉरी ये टारगेट प्राइस का ये सेमी बिहेवियर है, अगर हो जाता है ना हम नेक्स्ट ट्रेड पे हम नेक्स्ट पास कर देंगे, मतलब हमें जब पता है कि हमारा ये ट्रेड क्लोज हो गया तो हम पूरा ट्रेड को क्लोज स्कैन नहीं करना तो इसलिए हम पास कर देते अर्ली रिटर्न कर जा रहे हैं। ऑलराइट अब देखो ट्रेड हमारे पास क्लोज हो चुका है, अब ये भी हम देख चुके हैं कोड पे ट्रेड जनरेट हो गया। अब हम क्या करना है ना अब जो स्टैटिस्टिक पे हम काम करना है स्टैटिस्टिक पे जो हमारे पास डीटीज और ट्रेड है अब हम उसमें ना गेन काउंट करेंगे कि किस किस ट्रेड पे ना हमें पॉजिटिव पीएनएल देखने को मिला। तो उसके लिए क्या एक फिल्टर गेन काउंट है ये वेयर क्लॉज पे यूज करूंगा डीएफ जो पीएनएल रो पे इसका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है तो हम उसको गेन काउंट करेंगे, अगर लेस देन जीरो है तो वो लॉस काउंट पे हो जाएगा। ठीक है तो सेम चीज पे हम करके हमारे पास लॉस काउंट और प्रॉफिट ट्रेड का दोनों आ गया। अब हम गेन पॉइंट पे अगर हम कितना पॉइंट गेन कर रहे हैं अगर प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी एंट्री और एग्जिट के बीच पे किस जो डेल्टा बन रहा है पीएनएल बन रहा है वो कितना पॉइंट का बन रहा है वो भी हमारे स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को मेजर करने के लिए। ऑलराइट तो गेन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करो, गेन पॉइंट करोगे जो जिस ट्रेड पे आपका जो एग्जिट है एग्जिट प्राइस और एंट्री प्राइस का अगर माइनस करोगे तो आपको वो गेन पॉइंट मिल जाएगा। ऑलराइट तो देखो डीएफ पीएनएल वेयर फिल्टर गेन काउंट, फिल्टर गेन काउंट पे मैं इसको यूज कर रहा हूं तो अब इसको सम करूंगा। ऑलराइट इसमें सम में क्या होगा ना मेरा गेन पॉइंट एक क्यूमुलेटिव एड हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रेड पे हम काउंट कर रहे थे नंबर बता रहे थे इसमें एक्चुअल सम आ रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है ऊपर वाले में काउंट कर रहे नंबर बताना है हमें, इसमें क्या एक्चुअल वैल्यू बताओ वैल्यू चाहिए हमें गेन पॉइंट का स्टॉप लॉस पॉइंट का। और ये हमारा प्रिंट एफ कंडीशंस है, अगर प्रॉफिट ट्रेड हो रहा है तो प्रॉफिट ट्रेड हो रहा है तो कितना नंबर बताओ प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रेड, अगर लॉस ट्रेड हो तो नंबर ऑफ लॉस ट्रेड पे ये आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है, अब इस वाले पे फोकस करो। अब पॉइंट कितना पॉइंट्स आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो पूरा बैक टेस्टिंग पे हमें जो रिजल्ट दिखेगा वो गेन पॉइंट हमारा आ जाएगा, गेन पॉइंट ऊपर कैलकुलेटेड है जिसको हम एक्चुअल वैल्यू ये एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और सेम चीज है लॉस के लिए, अब देखिए रेशियो ऑफ गेन बाय लॉस, देखो गेन पॉइंट कितना है गेन पॉइंट डिवाइडेड बाय लॉस पॉइंट करोगे तो आपके पास रेशियो ऑफ गेन लॉस गेन बाय लॉस आ जाएगा। ऑलराइट तो ये हमारा प्रॉफिट बाय लॉस पॉइंट हमें मिल गया। अब देखो अब क्या ना ये इंपॉर्टेंट है रेशियो ऑफ प्रॉफिट ट्रेड बाय रेशियो ऑफ प्रॉफिट ट्रेड बाय लॉस ट्रेड, इसका मतलब क्या होगा कि आप 100 रुपए कमा रहे हो और 40 रुपया आपका लॉस हो रहा है, समझना इसको 100 रुपए कमा रहे हो और 40 रुपए लॉस हो रहा है तो जो आपका रेशियो बनेगा कितना का 10/4 बनेगा, 10/4 का ये रेशियो बनता है। तो सेम चीज है आप अर्न इतना कमा रहे हो प्रॉफिट ट्रेड वैल्यू बाय लॉस ट्रेड आप इतना कर रहे हो तो ये जो रेशियो बनेगा ना ये आपको एक ट्रेड को चूज करने के लिए जो मैं ट्रिपल आर की बात करता हूं ना ये यही चीज है यही आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ठीक है आपका आपका जो स्ट्रैटेजी काफी अच्छा काम कर रहा है और नियर टर्म पे ये काफी अच्छा रिटर्न देगा तो इसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा 1800 और जो लॉस 18 ट्रेड ऐसा थे जिसमें मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ 11 ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, जो प्रॉफिट पॉइंट बन रहा ना 830 का और जो लॉस पॉइंट हो गया 374 का। तो प्रॉफिट बाय लॉस का देखोगे आप दोनों को डिवाइड करोगे 830/-374 नहीं नंबर ऑफ ट्रेड और इसको करो नहीं सॉरी ये 830 बाय ये करोगे तो 2.2 का बन रहा है ये बहुत सही होता है 2.2 इसी को कहते हैं ट्रिपल आर रेशियो। और नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड बाय लॉस ट्रेड ये नंबर पे हो रहा
कि 18 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो 1.64, मतलब कि अगर आप सॉरी वन जैसे आप सपोज करो दो ट्रेड आप दे रहे हो ना जिसपे 100% है कि एक तो आपका लॉस हो रहा है, आप ऐसे भी अंडरस्टूड कर रहे हो, अगर दो ट्रेड आप ट्रेड कर रहे हो लॉस का तो उसमें एक ट्रेड आपका प्रॉफिट होना, तो इस मैटर पे आप लिंक करके अंडरस्टूड कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी मैं इस पे कर चुका हूं, थोड़ा और कुछ टेस्ट केसेस देख लेते हैं। अब सपोज करो जो मूविंग एवरेज है ना, मैं इसके जगह कुछ और यूज कर रहा हूं। अब इसका डेटा देखना, 830 पॉइंट्स हुआ था ना अभी, अभी अभी इसको मैं और बढ़ाता हूं। देखो मैं इसको ना 2.8 वाला जो ऑलरेडी टेस्टेड है, मैं टाइम सेव करने के लिए मैं बस देखो अब इसको देखो पैटर्न क्या है ना, जो मूविंग एवरेज जो लास्ट वाला था 100 डेज का उसको 60 डेज पे कर दिया हूं, 60 डेज पे। अब इसका रिजल्ट देखो, पहले कहता था टू, अरे ये मुझे चाहिए नहीं, 2.8 था। अब इसका देखो पहले टू कितना था, 868 था ना, ये 1387 टोटल ट्रेड क्या हो गया, बढ़ चुका, पहले 18 था ये 24 गया, ये 11 था। अब समझो इस चीज को, काफी पहले कहता था पहले 18 ट्रेड्स था प्रॉफिट का, अब वो 24 हो गया है, मतलब 6 ट्रेड बढ़ा है, 6 में से लॉस ट्रेड कितना था पहले 11 था, अब ये बढ़ा कितना है, 2 ट्रेड बढ़ा है लॉस का और 4 ट्रेड बढ़ा है किसका, प्रॉफिट का। जो मेरे पास प्रॉफिट पॉइंट बन रहा ना 1387, मतलब पिछले वाले से भी काफी ज्यादा, मतलब 800 लास्ट था, पहले 800 आया था, अभी 1300 ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट का ये बेनिफिट दे रहा है 4 ट्रेड पे, तो ये काफी अच्छा ट्रेड ये क्राइटेरिया है हमारा सिलेक्शन का, तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मैं ये कोड को ना मेरा जो वन ड्राइव का लोकेशन है यूट्यूब पे, तो आप उसके थ्रू आप एक्सेस कर लो, आपको कोड मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है या कंटेंट अच्छा लग रहा है, नॉलेज अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।